प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक सेवा निर्मित कर्मचारी कल्याण समिति मुरादाबाद की आम सभा काट रोड स्थित एक प्राइवेट हॉल में संपन्न हुई, जिसमें बिजनौर, बरेली, बदायूं, गोंडा, गाजियाबाद, बलरामपुर, झांसी, संबल, अमरोहा आदि जनपद के सेवा निर्मित साथियों ने प्रतिभाग किया। सभा के सभा अध्यक्ष वीके राय एवं मुख्य अतिथि बैंक महाप्रबंधक रफत अली रहे। सभा अध्यक्ष, मुख्य अतिथि एवं सदस्यों के स्वागत पश्चात पिछली कार्यवाही की पुष्टि की गई, जिसमें सदस्यों को गत वर्ष की समिति की उपलब्धि तथा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कोष में 3,75,000 का योगदान, पेंशन शिकायत प्रकोष्ठ के गठन, ग्रेजुटी के भुगतान, डिजिटल प्रमाण पत्र की व्यवस्था, कर्मचारी कल्याण योजना के व्यवधान के समाधान, पहचान पत्र की व्यवस्था, फरवरी 2020 के पश्चात रिटायर हुए साथियों के रुके हुए कर्मचारी अंशधन का भुगतान प्रारंभ किया जाना चाहिए आदि रहे। मुरादाबाद के क्षेत्रीय सचिव मूलचंद गुप्ता के समर्थन को प्रदान करने की दिशा में हुए प्रयास को बताते हुए स्पष्ट किया गया कि समिति के सदस्यों की संख्या 642 हो गई है। समिति के कोषाध्यक्ष हर प्रकाश शर्मा द्वारा सदस्यों के समक्ष समिति का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा पेंशन सेल को सम्मानित किया गया। सदस्यों की भावी समस्या को लेकर चर्चा के दौरान स्पष्ट हुआ कि अभी मेडिक्लेम पॉलिसी, मृतक आश्रितों की नियुक्ति प्रक्रिया, परिचय पहचान कार्ड की उपलब्धता, स्वैच्छिक सेवा निर्मित पर रोके गए अवकाश, नकदीकरण को पुनः प्रारंभ किया जाना चाहिए, सेवा निर्मित साथियों के ऋण पर ब्याज कम किया जाना, निर्गत पेंशन पर आयकर कटौती आदि के संबंधी सूचना प्रक्रिया आदि प्रमुख रहे। महाप्रबंधक रफत अली द्वारा सदस्यों को शीघ्र निस्तारण हेतु आश्वासन दिया गया। दिवंगत साथियों की आत्मिक शांति हेतु शोक सभा एवं सभा अध्यक्ष के संबोधन के बाद सभा समाप्ति की घोषणा की गई। सभा में मुख्य रूप से अध्यक्ष अनिल कुमार तोमर, महासचिव मोहम्मद आलम के साथ बीएम सिंह आदि लोग मौजूद रहे। मैं अनिल कुमार तोमर और प्रथमा बैंक सेवा निर्मित कर्मचारी कल्याण समिति का अध्यक्ष। जी, बैठक किस बारे में लेकर आज यहाँ पर घोषित की गई है? आज की बैठक जो है, दरअसल हर हमारी ये बैठक साल में 4 बैठक होती है, लेकिन पिछले एक साल में कोरोना काल के कारण कोई भी बैठक नहीं हो पाई। अब चूँकि कोरोना काल लगभग समाप्त हो रहा है, तो ये प्रयास किया गया कि एक आम सभा बैठक की जाए, जिसमें हमारे 17 जिलों के जो सदस्य हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो आज इस बैठक में भाग ले रहे हैं। इसका मकसद जो रिटायर कर्मचारी हैं उनके समक्ष जो समस्याएं अनेक तरह की आती हैं, उनके निराकरण के प्रयास किए जा रहे हैं, और लोगों को जानकारी भी समिति इस संबंध में क्या किया है, अभी तक क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करने के लिए, उनको बताने के लिए सबका ये बैठक बुलाई गई। इस बैठक में आज हमारे बीच महाप्रबंधक महोदय, बैंक के महाप्रबंधक महोदय भी उपस्थित हैं, जो कि जिनके समक्ष जो समस्याएं रह गई हैं उनको रखा जा सके और उनके निदान के बारे में कार्रवाई हो सके, ये आज बैठक लगाई।